क्वेश्चन 93 का सवाल है क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक हैज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद द स्लोप थीटा ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट अ अस्टेंट स्पीड द कोविशन ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या फिर इक्वल टू जी डायमेंशनली अगर देखेंगे तो जी विल नॉट बी राइट ऑप्शन नंबर सी जी विल नॉट बी अ राइट आंसर बिकॉज जी के डायमेंशन होते हैं सो आउट ऑफ द अदर थ्री देर वुड बी सम राइट आंसर नाउ सिंपल सवाल है कि ये अगर मान लीजिए आपका इंक्लाइन प्लेन है थीटा उस पर आपने एक ब्लॉक को रखा है एंड ब्लॉक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो उस केस में उसका एक्सलेशन ज़ीरो हो जाएगा तो उस एक्सेलेसन को जीरो रख के अपनी म्यू की वैल्यू आ जाएगी नाउ इस केस में जब ब्लॉक आपका नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो उसका नीचे फोर्स हुआ एम जी साइन थीटा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स उसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस ना तो इस केस में एक्सलेशन जो होएगा uh, वो होएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा दोनों फोर्सेस के डिफरेंस को हमने मास से डिवाइड कर लिया ना क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसलिए दिस एक्सोलेशन की वैल्यू ज़ीरो होएगी तो अगर इसको इक्वेट जीरो करेंगे साइन थीटा विल गेट कैंसल और इसको हम लिख सकते हैं म्यू विल बी इक्वल टू सॉरी जी विल गेट कैंसल विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉसीटा यानी कि टेन थीटा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी टेन थीटा वुड बी द राइट आंसर